जैसा कि एक सवाल और एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 18 बांग्ला, उत्तरबंग संवाद, आनंदबाजार पत्रिका, जिसमें चाकुलिया विधायक अली इमरान रमज़ ने यह दावा किया है कि प्रशांत किशोर ने उनसे मुलाकात की और उन्हें उनके मनपसंद मंत्री पद का उन्हें ऑफर किया कि आप तृणमूल में ज्वाइन करिए। तो क्या सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल का कोई ऐसा नेता नहीं कि प्रशांत किशोर का सहारा ममता बनर्जी को लेना पड़ रहा है? सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार, साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं कानकी टाइम्स और चगलिया टाइम्स का, जो आप लोग अपना कीमती टाइम देके हमारे पास आए, चंद सवाल किए, अब हम लोग जवाब दे रहे हैं। जैसा आपका सवाल था प्रशांत किशोर जी को लेके, प्रशांत किशोर जी को पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रशांत किशोर जी को लाना पड़ा। तो प्रशांत किशोर जी को नेता नहीं है, वो एक सलाहकार हैं और हमेशा बड़े बड़े पार्टी सलाहकार रखते हैं। जैसा आपको पता होना चाहिए कि 2014 के इलेक्शन में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो प्रशांत किशोर के जरिए ही आए थे। उसके बाद बिहार में इलेक्शन हुआ, हाल ही में आपका आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुआ। तो प्रशांत किशोर का सलाह लेने का मतलब ये नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई लीडर ही नहीं है, लीडर बहुत है। राहबाक मुद्दे का बात यह है कि आपका हम कल जो चकलिया टाइम्स में देखे और कई परसों से न्यूज़ में देख रहे हैं, जो उनको हमारे चकलिया के विधायक जी को ऑफर किए हैं प्रशांत किशोर जी कि आप तृणमूल में आ जाइए, आपको मन चाह कोई तीन मंत्रालय का नाम बोलिए, आपको मिनिस्टर किया जाएगा। सबसे पहले तो यह बात सरासर गलत है, झूठ है। अगर यह बात सही है तो एमएलए साहब को उस दिन का कहे के, एमएलए साहब वीडियो बनाने में माहिर हैं, सबको पता है, तो उस वीडियो को भी साथ ही साथ रिलीज कर देना था जब उसके पास प्रशांत किशोर जी आए थे और उससे बात किए थे। हाँ, कुछ दिन पहले लोकसभा इलेक्शन से पहले हमारे विधायक को ऑफर था, बुलाया जा रहा था तृणमूल में आने का, पता नहीं वो क्यों नहीं आए उस वक्त। अभी वो पछता रहे हैं जो तृणमूल में हम क्यों नहीं गए। तो मेरे पास जो खबर है अभी आज आपका उर्दू पेपर में आया है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, उर्दू पेपर में आप देख लीजिए, इसमें प्रशांत किशोर जी डायरेक्ट ये बोले हैं कि हमारे विधायक जी के बीवी और उसके कोई दोस्त प्रशांत किशोर जी से कॉन्टेक्ट किए थे, जो चकलिया का एमएलए को पार्टी में लीजिए और एक मिनिस्टर बनाना होगा। प्रशांत किशोर जी सरासर ना कर दिए हैं और ना करेंगे ही, क्योंकि प्रशांत किशोर जी तो टीएमसी में लेने वाले कोई नहीं होते हैं। टीएमसी में लेने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीमो है, अभिषेक बनर्जी, पार्थो चटर्जी जी, उसके बाद आपका हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, तो इनके अलावा कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं करा सकता है, ज्वाइन कराने के सलाह सजेशन दे सकता है। तो जब प्रशांत किशोर जी उसको ना कर दिए तो नहीं नहीं होगा अभी, और काहे होगा अभी, आप रिजल्ट देख लीजिए लोकसभा इलेक्शन में। टीएमसी यहां पर 60,000 वोट मिला है टीएमसी को, और बीजेपी को 51,000, और वामफ्रंट को मिला है आपका 40,000, जहां 20,000 वो पहले से पीछे है, उसको काहे लेगा? पहले लेना चाहता तो वो अलग बात है, लेकिन अभी जब नहीं ले रहा है तो अभी ये एक नया सोचा, जो कुछ मीडिया वालों को बुला के एक नया हाईलाइट किया जाए, जो मतलब हमको जो ठुकरा रहा है, टीएमसी वाले लेना नहीं चाहता है, तो कम से कम टीएमसी का कोई किसी भी नेता के पास हमदर्दी हो और फिर हमसे कॉन्टेक्ट करे और हम तृणमूल में चले जाएं। तो अभी तृणमूल में उसको लिया नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास आज के डेट में जो 40,000 लोकसभा में था उससे भी 20,000, जिस सीपीएम के सहारे वो लोग आज तक जीत रहा था या 40,000 वोट भी पाया था, आज पूरा सीपीएम चकलिया ब्लॉक का कन्वर्ट हो गया टीएमसी में। तो टीएमसी को उसको लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, नहीं लेना चाहता, इसीलिए बेबुनियादी बात बनाया है। और वो बता रहे हैं जो प्रशांत किशोर जी उससे कॉन्टेक्ट किए थे, हम लोग इस बात को झूठा करार देते हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो उस वीडियो को वो दिखा सकते हैं। कई और कार्यकर्ता हैं जो फेसबुक में पोस्ट करते हैं कि हमें भी पीके टीम के वर्करों ने फ़ोन करके बात करने की कोशिश की और तृणमूल ज्वाइन करने की बात कही, बार बार हमें अलग अलग नंबर से फ़ोन किया जाता है, आपने भी ऐसे पोस्ट फेसबुक में देखे होंगे। हाँ, तो ये तो अब इसको
फोन करता है प्रशांत किशोर जी का टीम किस मुद्दे को लेकर करता है, इसका कोई फुलफिल अगर प्रूव नहीं दे ऐसे मनमाने। अब तो मजा किया हमने देखे, जो आदमी ऐसा भी फेसबुक में लिखते हैं जो यूनाइटेड स्टेट से उसको फोन आया है जो उसको प्रेसिडेंट किया जाए, तब ऐसे बातों का कोई जवाब नहीं होता है। तो अब ये रास्ता तो MLA साहब ही दिखा दिया ना अचानक ये सब बोल के, ऐसा कोई बात नहीं है। और तृणमूल में हमारे चकलिया के MLA साहब को जरूरत नहीं, वो 8 महीना जो MLA रहेंगे आइंदा 8 महीना वो उधर ही रहे अच्छा है, क्योंकि वो तृणमूल में भी आके जीत नहीं पाएंगे। सरासर जो ये बात है कि यहाँ का पब्लिक उसको इस बार हराएंगे ये फाइनल कर लिए हैं, इसलिए वो तृणमूल में आना चाहते हैं। तृणमूल में आके भी उसका फायदा नहीं होगा, तृणमूल का भी कोई फायदा नहीं होगा। तृणमूल का यहाँ लोकल कैंडिडेट हमारे चकलिया से, चकलिया का लोकल उम्मीदवार होगा और यहाँ का अवाम इस बार जिताएगा, ये फाइनल है। एक सवाल मेरे तरफ से, क्या आपको लगता है कि पीएम आवास वाला जो मुद्दा अभी उठा है उसको लेके TMC को नुकसान हो सकता है आगे में, और वो जो वामफ्रंट है फॉरवर्ड ब्लॉक उसको फायदा हो सकता है इसके लिए? नहीं, पीएमए आवास लेके फायदा और नुकसान आपको कहाँ से लग रहा है? देखिए, पीएमए आवास लेके हम जो सुने, जो 9 तारीख को हमारे चकलिया के विधायक जी डिपुटेशन देंगे, तो मेरा चकलिया के अवाम होने के नाते हमारे विधायक जी से सवाल है कि विधायक जी जब राजनीति में नहीं आए थे उससे पहले ही डिपुटेशन में आए थे, तो डिपुटेशन से शुरू किए हैं पॉलिटिक्स, तो आज तक उनका जो जितना डिपुटेशन हुआ उस उन डिपुटेशन का कोई नतीजा तो होगा? कोई नतीजा है सामने में? कोई भी डिपुटेशन का कोई नतीजा नहीं है। रहा बात PMAY को लेके, आज कोरोना जैसे महामारी के वक्त वो एक गैदरिंग करना चाहते हैं और बिना परमिशन का डिपुटेशन देंगे ब्लॉक पे, जहाँ तक खबर है। तो डिपोटेशन देने का कारण है उनका जो PMAY लिस्ट में जो 36,000 नाम है वो सारा नाम गलत है, उनका कहना है, हम सुने हैं। अब 36,000 नाम तो गलत नहीं है, 36,000 आदमी को भी सोचना होगा कि हमारे विधायक, और वही 36,000 आदमी उनको वोट देके विधायक किए हैं, उन लोगों को सोचने का वक्त आ गया है कि हमारे विधायक आज हमारा नाम आया है, हमारा नाम को कैंसिल कराने के पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं कि डिपोटेशन तक दे रहे हैं। हाँ, वहीं जब कानून बनाने वाले हमारे चकलिया के विधायक जी हमेशा दावा करते हैं कि हम रोड और ब्रिज बनाने के लिए MLA नहीं हुए हैं, कानून बनाने के लिए, वही कानून का पालन नहीं करते हैं। आज 24 तारीख को चकलिया पंचायत समिति में जनरल बॉडी का मीटिंग था PMAY को लेके, और उस दिन वो भाई साहब कानकी टाइम्स के पास इंटरव्यू कर रहे थे यही सब सवालों को लेके, उसको उस दिन कानकी टाइम्स को बाद में टाइम दे के उससे पहले उनको जनरल बॉडी का मीटिंग अटेंड करना था। यहाँ के अवाम का जो कुछ आदमियों का नाम नहीं है उनको लेकर बात करना था, वहाँ पर एक पॉलिसी मेकिंग करना था, आगे तक उस मैसेज को पहुँचाना था, लेकिन बात यह है कि उनको काम करने का कोई इच्छा नहीं है, इरादा नहीं है। अब करना यह है कि पब्लिसिटी करना है, PMAY का लिस्ट लेके जिनका नाम है उनको बात दो, जिनका नाम नहीं है उनका लिस्ट में नाम कराओ, ऐसी ऐसी बेबुनियादी सवाल जिसका कोई सोल्यूशन है। हाँ, वीडियो साहब पहले ही बोल दिए हैं, हम लोग भी जानते हैं, हमारे राज्य के मंत्री जनाब गुलाम रबानी साहब के पास हम लोग गए थे, DM साहब के साथ बात किए थे, हम लोगों के सामने में DM साहब भी जो सजेशन दिए थे जो अभी लोग का एंट्री हो जाए, जो लोग का बात किया है उन लोगों का फोटो आधार कार्ड लेके जमा कीजिए, वहाँ का जो VRP था वो कोई नोट शीट दे, जो मेरा वो फोटो करने के टाइम में कोई मिस्टेक के कारण वहाँ का नाम नहीं आया, उन लोगों को सर्वे कराने का व्यवस्था किया जाएगा। तो जो करेगा स्टेट गवर्नमेंट करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक के फेवर में ही है। PMAY लिस्ट लेके जो सब हुआ है उन लोगों का पहले हो, उसके बाद जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों का भी हो, हम लोगों का शुरू से ही डिमांड है और आगे तक हम लोगों का लड़ाई रहेगा। लेकिन हमारे विधायक जी जो डिपुटेशन देना चाहते हैं, आज डिपुटेशन देना कब चाहते हैं? चकलिया हाट जिस दिन है बुधवार, विधायक जी जान गए हैं कि उनके पीछे अब अवाम नहीं है, उनको इतना भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 200 आदमी जमा हो जाए, इसीलिए चकलिया हाट के दिन वो चकलिया से मिशिल करके वीडियो ऑफिस आएंगे ताकि रास्ता घाट जाम हो जाए और कुछ आदमी हो जाए। और हाँ, वहाँ पर वो एक तीर से दो निशाना लगाना चाहते हैं, और उसका एक वीडियो क्लिप करके कुछ फोटो लेके प्रशांत किशोर तक पहुँचाया जाए कि देखिए आज भी मेरे पास पब्लिक है, आप समझ रहे हैं जो मेरे पास पब्लिक नहीं है, आप हमको लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे पास पब्लिक है, आप हमको TMC में लीजिए, ये ऐसा करना चाहते हैं, मेरा जहां तक सोच है। लेकिन ऐसा करके भी कोई फायदा नहीं होगा, अब हम समझ रहा है जो PMAY लेके, और इससे पहले भी जितना डिपुटेशन हमारे MLA साहब हम लोगों को ले जाके कराए हैं, करा के MLA साहब तो चले गए हैं, रिजल्ट कुछ मिला नहीं है, PMAY लेके भी क्या रिजल्ट मिलेगा?
अब देखा गया कि वहाँ कानून तोड़ के एक डिपुटेशन होगा, उसके बाद देखा गया जो प्रशासन केस कर दिया, वो बेबस लोग गांव से जो लोग आ जाएंगे उन लोगों पर केस हो जाएगा, एमएलए साहब तो कलकत्ता चले जाएंगे, जैसे 7 महीने तक कलकत्ता में थे फिर कलकत्ता चले जाएंगे, उन लोगों के नाम से केस उस हो जाएगा, फिर उन लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसीलिए चकलिया के आवाम से मेरा पुरजोर गुजारिश है कि आप लोग चकलिया हाट के दिन मान लीजिए कि एक लॉकडाउन चल रहा है, चकलिया हाट तक ही आइए, ब्लॉक की तरफ आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए आपकी सरकार ममता बनर्जी की सरकार, यहाँ के मंत्री, यहाँ के लीडरशिप, चकलिया के पंचायत समिति मेंबर्स, हर ग्राम पंचायत के प्रधान मेंबर्स, जिला परिषद मेंबर्स, सब आप लोगों के लिए सोच रहा है। जिन लोगों का नाम आया है उन लोगों के लिए भी सोच रहा है, जिन लोगों का नाम नहीं आया उन लोगों के लिए भी सोच रहा है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, आप लोगों को घर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग किसी के बहकावे में आके कानून को हाथ में लेंगे, लेने के बाद आप लोग डिपुटेशन में आएंगे, फायदा तो कुछ होगा नहीं, उल्टा आप पर केस होने का चांस रहता है, इसीलिए आप लोग इस डिपुटेशन को बैकट कीजिए। एक मैं सवाल इस पे आपसे करना चाहूंगा कि चाकुलिया विधायक ने एक उपचुनाव से अपने राजनीति की शुरुआत की थी, इलेक्शन लड़ा था, उसमें उनको 1.5 साल का वक्त मिला था और तब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, उसके बाद पश्चिम बंगाल में बदलाव हुआ, ममता बनर्जी की सरकार आई और ये दूसरी बार उनकी सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है 2021 में, लेकिन वो डेपोटेशन के जरिए या कोई कई रैलियों के जरिए इलाके के काम काज के लिए, इलाके के गरीबों के लिए जो आवाज बुलंद करते हैं, काम तो सर राज्य सरकार ने ही करना है, वो विपक्ष में रह के इतना कुछ तो नहीं कर पाएंगे ना, आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं। नहीं तो वो 1.5 साल करना तो सरकार में ही ना सर, हम क्या बोले जो पॉलिटिक्स में आने से पहले ही डिपुटेशन शुरू किए थे, तो 1.5 साल तो उनको टाइम मिला था ना अपने सरकार में, वो 1.5 साल का 1.5 काम बता दे, 1.5 काम दिखाने लायक, जब बुद्धूदेव की सरकार थी वो पूरे पश्चिम बंगाल में वाम फ्रंट की तरफ से 1 MLA वाहिद MLA जीत के गया था बाय इलेक्शन में, जो 14 शायद या 10 कैंडिडेट जीत के गया था उसमें वो जीत के गए थे, उस वक्त भी तो 1-2 काम कर सकते थे ना, काम करने का जिसका इरादा होता है वो सत्ता में भी रह के और विपक्ष में भी रह के थोड़ा झुक के रिक्वेस्ट करके गुजारिश करके आवाम के लिए काम कर लेता है, लेकिन इनको तो काम करने का इरादा नहीं है। अगर वो काम अभी नहीं कर पाए तो उनके चाचा जी मिनिस्टर थे, अपने सरकार में ही थे ना, उनका कहाँ काम है, काम दिखाइए। अब रहा बात, यहाँ एक बात छूट गया कि हमारे चकलिया के MLA साहब का हम आपका YouTube में देखे, जो वो ग्राम पंचायत के मेंबर से लेके पंचायत समिति, जिला परिषद, यहाँ तक इवन एक लेडीज मुख्यमंत्री है जिसका इज्जत पूरा भारत ही नहीं पूरा दुनिया कर रहा है, ममता बनर्जी सबको चोर बोला है, क्या ये हर जनप्रतिनिधियों का अपमान नहीं है? साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को बनाने वाले उस अवाम का अपमान है जिन्होंने उनको वोट दे के बनाया और इनको भी MLA बनाया है, सबको चोर कहना। आज तक PMAY लेके वो एक लिखित कंप्लेन करा पाए हैं, कंप्लेन कराइए, उसके बाद अगर उस पर एक्शन नहीं होता उसके बाद किसी को आप चोर बोलिए, अगर बाकी जनप्रतिनिधि चोर है तो आप चोर नहीं है, आप क्या बोलना चाहते? ये कहावत है कि जो जैसा होता है सबको वैसा ही, सब उसको वैसा ही नजर आता है। आज MLA साहब 2009 में MLA साहब क्या थे, आज 2020 में क्या है, आज चकलिया से लेके किशनगंज, किशनगंज से लेके कलकत्ता तक इतने प्रॉपर्टी का मालिक वो कैसे हो गए, कौन सा बिजनेस चल रहा है उनका, वो भी तो कहीं से कुछ करके ही किए हैं, ऐसा बात नहीं जो जनप्रतिनिधि लोग सारे बेईमान और चोर है और सब दूध का धुला हुआ है, कहीं पर थोड़ा बहुत करप्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको चोर बोल देंगे। उस एक महिला, उसको तो इज्जत देना ही नहीं आता, एक महिला मुख्यमंत्री को इस तरह से चोर बोलना जिसका विदेश तक इज्जत है, आज यूनाइटेड स्टेट से अवार्ड लेके आते हैं हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्या आप उसको बोलेंगे जो वो चोर है? बंगला का गौरव ममता नहीं है, लज्जा है, बंगला गौरव ममता इसलिए है कि दूसरे देश से अवार्ड लाने वाली पहली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। आज आप हर पेपर में देख लीजिए कंटिन्यू कई साल से हर मुख्यमंत्री में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री फर्स्ट करती है, काहे काम के लिहाज से, आज उसका काम हर जगह, उसका ईमानदारी हर जगह पर सबूत देने का जरूरत नहीं। आज एक चकलिया का MLA ये बोल देंगे कि सब चोर है, हर जनप्रतिनिधि जो लोग उसके पार्टी का वार्ड मेंबर, पंचायत समिति मेंबर है, जनप्रतिनिधि है, उन लोगों को भी सोचने का वक्त आ गया है कि देखिए आपका MLA आपको चोर बोल रहा है, दूसरे पार्टी को चोर बोल रहा है, साथ ही उन अवाम को बेइज्जत कर रहा है जिन लोगों ने आपको वोट दे के इस मकाम तक पहुंचाया है, तो सबका बेइज्जती करना काहे का, MLA साहब को किसी का इज्जत करना आता नहीं है जहां तक हम जानते हैं, वो सबको चोर और बोल के थोड़ा हाईलाइट होना चाहते हैं।
तो हाईलाइट और कितना दिन तक, 8 महीना तक आप हाईलाइट ऐसे भी हैं, आप एमएलए हैं चकल हैं, लेकिन 8 महीना बाद आपको कोई भी ताकत के चौथी बार एमएलए नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस बार यहाँ का वम ये फाइनल कर लिया है कि चकलिया में तृणमूल कांग्रेस का एमएलए चकलिया का ही किसी को बनाना है। सर एक सवाल आपसे, जो पैंडमिक सिचुएशन आप बोल रहे हैं कि पब्लिक गैदरिंग मना है, तो 9 तारीख को जो पब्लिक गैदरिंग होना उसके बारे में तो आपने कहा, लेकिन जो वो ज्वाइनिंग सभा है उसमें जो आप लोग पब्लिक गैदरिंग करवाते हैं उसके बारे में क्या कहना है? देखिए ज्वाइनिंग में आप इससे पहले जो ज्वाइनिंग हुआ हम लोगों का, आप ज्वाइनिंग का वीडियो देख सकते हैं, हम लोग स्टेज स्टेज नहीं बनाए थे, हम लोग सिर्फ एक सिंपल सा पेंडल लगा के उसमें ज्वाइनिंग का व्यवस्था किए थे। अब ममता बनर्जी का उन्नयन देखे आदमी आ गया, फिर भी हम लोग मास्क सैनिटाइजर का व्यवस्था रखे थे। हाँ गैदरिंग हो गया था, हम ये बात मानते हैं, अब हो गया था तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दावत नहीं किए थे, कोई माइकिंग नहीं किए थे, जो आना ही है। हम लोगों का सामने 5 तारीख में भी ज्वाइनिंग प्रोग्राम, हम लोग चेयर का व्यवस्था किए हैं, क्यों, ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ आदमी नहीं मानता है, ममता बनर्जी के उन्नयन को देख के आके भीड़ लगा देता है, उसमें हम लोग अपना गलती मानते हैं, लेकिन अब ज्वाइनिंग तो रोका नहीं जाएगा ना बाद में। डेपुटेशन में भी अगर कहा जाए तो अवाम अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आते हैं सर, फिर यहाँ पे गैदरिंग का क्या सिस्टम है? हक की लड़ाई के लिए रास्ता है, तो हक की लड़ाई के लिए आपके पास रास्ता खुला हुआ है। आज हक की लड़ाई के लिए ही तो 24 तारीख को जनरल बॉडी का मीटिंग था, एमएलए सब हक की लड़ाई के लिए वहां पर क्यों नहीं आए, मेरा एक सवाल। दूसरा नंबर सवाल, पब्लिक को गुमराह करके यहाँ लाया जा रहा है, पब्लिक को एक तरफ मना किया जा रहा है, जो आप किसी को अपना आधार कार्ड का जेरेक्स नहीं दीजिएगा, अगर आधार कार्ड का जेरेक्स देगा उसका लिस्ट बनेगा, उसके बाद वीडियो ऑफिस में जमा होगा, डीएम से बात किया जाएगा, उसका तो एक सोल्यूशन निकलेगा। उधर मना किया जा रहा है, इधर यहाँ बोल रहा है जो आइए डिपुटेशन देंगे आप लोग को लेके, तो डिपुटेशन देके क्या होगा? डिपुटेशन देके तो आप मांग रखेंगे ना, उस मांग को अगर पहले से फुलफिल करने की कोशिश किया जा रहा है तो उसमें आप क्यों मना कर रहे हैं? और जहां पर जनरल पब्लिक आएंगे माइकिंग करने के बाद आएंगे, वहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जाएगा, और हर डिपोटेशन के लिए परमिशन का जरूरत पड़ता है, वो परमिशन वो क्यों नहीं लिए, परमिशन लेना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे आपको अभी करूंगा, आपने अभी करप्शन की बात की कि कहीं थोड़ा बहुत करप्शन अगर होता है तो थोड़ा बहुत, लेकिन ये सबको पता है कि ममता बनर्जी एक महिला नेत्री अपने बलबूते पर और बहुत कम समय में पश्चिम बंगाल में उभर के आई सामने और मुख्यमंत्री बनी पश्चिम बंगाल की, करप्शन के खिलाफ ही उनकी लड़ाई थी सर। लेकिन आज भी अगर आप थोड़ा बहुत करप्शन की बात करते हैं, जबकि 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार है और आज भी करप्शन जड़ से खत्म नहीं हो पाया, इसका जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। आपको यह बात मालूम होना चाहिए, जो ममता बनर्जी की पार्टी नंदीग्राम से खड़ी हुई थी, आज नंदीग्राम में करप्शन के मामले में 200 से ज्यादा वहां के लीडर्स को, जनप्रतिनिधियों को शोकाउच किया गया और 50 से ज्यादा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। करप्शन से कभी भी कंप्रोमाइज टीएमसी नहीं करेगी, चाहे सत्ता में रहे या ना रहे। इसीलिए अगर कहीं पर करप्शन है उसका स्पेसिफिक कंप्लेन होना चाहिए, उस पर एक्शन लेने के लिए पार्टी हमेशा तैयार है, खास करके ममता बनर्जी। इन्हीं करप्शन बाजों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पीके जैसे आदमी का सलाह ले रही है और इन रिपोर्टों पर काम किया जा रहा है। इसलिए कंप्रोमाइज कभी भी नहीं हुआ है करप्शन पर और नहीं होगा, स्पेसिफिक कंप्लेन होना चाहिए। अब वो तो जनरली बता रहे हैं, वार्ड मेंबर से लेकर हमारे मुख्यमंत्री तक को चोर बता रहा है, तो चोर तो मुख्यमंत्री को तो दुनिया का कोई आदमी चोर नहीं मानेगा। आज भी वो 200 रुपये का साड़ी और 100 रुपये का चप्पल पहन के चलती है, 50,000 उसका गाड़ी का कीमत नहीं होगा जिस गाड़ी पर चलती है, हम लोग खुद देखें, टाली का घर में रहती है। उस मुख्यमंत्री को इस तरह से बेइज्जत वाला बात करना अपने आप में एक शर्मनाक है, और हम तो कहेंगे कि चकलिया का एमएलए को, ममता बनर्जी को इस तरह से बोलने के एवज में माफी मांगना चाहिए, सरेआम आप लोगों को बुला के माफी मांगना चाहिए कि हम ये गलत बोले। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल आ रहा है सर, डीएम की तरफ से बोला जा रहा है कि लिस्ट में और बाहर से इंक्लूड नहीं होगा, जिसका है उसी को रखा जाएगा, उसी में से छटाई होगा, लेकिन आप लोग जो फिर आधार वो जमा करवा रहे तो क्या उसमें कोई लिस्ट में इंक्लूड होगा? और कोई डीएम का मैसेज आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, डीएम को भाजपा ये कंप्लेन किया गया था। एक देखिए शुरू से ही ये बोला गया है कि एक सादा कागज में एप्लीकेशन लिख के आधार साथ में देके आप जमा कीजिए, तो यहाँ आदमी तो थोड़ा सुविधा देखता है ना, कंप्यूटर से कोई भी एक प्रिंट निकाल लिया था टू डे वीडियो बोल के, ताकि उसमें फटाफट लिख के वो साथ में आधार देके दे दे। इसी को लेके एमएलए साहब जैसे कोई आदमी वीडियो डीएम साहब को कंप्लेन किए थे कि आपका वीडियो से फॉर्म दिया गया है, इसीलिए वीडियो साहब डीएम साहब ये मैसेज किए थे कि सरकार के तरफ से कोई भी फॉर्म नहीं इशू हुआ है, यही मैसेज में था।
फॉर्म तो सही में इशू नहीं हुआ, शुरू से बोला जा रहा है सादा कागज में आप एप्लीकेशन लिखिए और साथ में आधार कार्ड दीजिए, उसको लिस्ट बना के आगे तक भेजा जाए। तो आपको क्या लगता है वो लिस्ट में इंक्लूड होगा? और इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, इस लिस्ट से और भी नाम कमेगा आधार लिंक होने के बाद, लेकिन उसके लिए सेकंड लिस्ट कैसे हो, उसके लिए दोबारा फोटो किया जाए या ऐसे ही लिस्ट हो, किस तरह से उसके लिए काम चल रहा है अभी हम आपको बोल देंगे, जो हो ही जाएगा। यह मेरा बोलना गलत होगा, कहेगा हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देते हैं, जब देते हैं अवाम के पास बोलते हैं तो सही होना चाहिए और हम लोग जानकारी लेके देते हैं, इसीलिए पहले कोशिश करेंगे उसके बाद ना कोई रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं बस। हमारे विधायक वीडियो हमें देखी थी, वही वीडियोते उन्हीं बोले जे हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो चान ते दुई मिनट मध्य लिस्ट के कैंसिल करते এইধরনের কথা উনি বলেছেন, ক্যান্সেল করতে পারেন, ক্যান্সেল করতে পারেন, হ্যাঁ কেন কেন করছেন না উনি প্রশ্ন করেছেন। তো আপনি কি বলতে চান যে আমি প্রশ্নটা করেছি ধরে তুললাম যে যে গরিব মানুষ এই লিস্ট থেকে বঞ্চিত আছে তাদের জন্য আপনারা কি কি করবেন, কি স্টেপ নেবেন? দেখুন, একটু আগে আপনার ভাই তো বলছিল আমাদের যুব সভাপতি যে আমরা একটা প্রসেসিংয়ে একটা সাদা কাগজে আধার কার্ড সহ আমরা পঞ্চায়েতে অ্যাপ্লিকেশন করতে বলেছি, ওইটা বিডিও সাহেবের কাছে আসবে, বিডিও সাহেবের কাছ থেকে ডিএম সাহেবের কাছে যাবে, তারপরে রাজ্যে যাবে, এবং দ্বিতীয় লিস্ট বার করা যায় কি না এটার জন্য আমরা একটা চেষ্টা চালাচ্ছি।